दोस्तों स्वागत है आप सबका फैंटेसी क्रिकेट गुरु में। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो वुमेन बिग बैश लीग शुरू होगी तो उसके जस्ट पहले मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे मैं 80% से ज़्यादा स्मॉल लीग जीतता हूँ। और यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आपको बता दूँ कि करीब करीब 2 साल से मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है, लेकिन आज तक 2 साल में कभी भी मैंने ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। तो पहली बार बना रहा हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। बस आपको करना क्या है, पूरा वीडियो देखना है, छोटा सा वीडियो है, बस आपको पूरा वीडियो देखना है। ये मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद सबसे अलग हो जाओगे। दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले अपने बारे में बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। मैंने करीब करीब पिछले 2 साल में फैंटेसी से, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, चाहे प्ले स्पॉट हो, चाहे माई फैब इलेवन हो, चाहे हाल अपले हो, या कोई भी फैंटेसी वेबसाइट हो, अगर मैं टोटल अपना देखूं तो करीब करीब मैंने 3.5 करोड़ रुपए विन किया है। और मैंने ग्रैंड लीग लगभग जो है सिर्फ 5% ही खेली होंगी। पिछले 1.5 साल से मैं ग्रैंड लीग नहीं खेल रहा हूँ, सिर्फ स्मॉल लीग पे फोकस करता हूँ। और स्मॉल लीग से पिछले 1.5 साल से करीब करीब मैंने 2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया है। अब मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसको हो सकता है स्मॉल लीग का, आप खुद सोच सकते हो। दोस्तों मैं बात कर रहा था स्मॉल लीग्स कैसे आप जीत सकते हो, कम से कम 80% स्मॉल लीग्स आप कैसे जीत सकते हो। अब स्मॉल लीग्स कौन सी होती हैं, 2 मेंबर की, 3 मेंबर की, 4 मेंबर की, 6 मेंबर की, 10 मेंबर की, 11 मेंबर की, मैं यहाँ तक स्मॉल लीग्स मानता हूँ। अब इसके ऊपर जो चली जाती है वो स्मॉल लीग्स नहीं है, फिर वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फिर आपकी जो स्मॉल लीग्स की टीम होगी वो वहाँ पर काम नहीं करेगी। हो सकता है आप जीत जाओ उस टीम से अगर आपके प्लेयर परफॉर्म कर गए, लेकिन वो टीम हमेशा काम वहाँ पर नहीं करेगी। तो इन जो लीग्स हैं 11 मेंबर तक की, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, चाहे आप जहाँ पर चाहो वहाँ पर शेयर करना, और शेयर बाद में करोगे लेकिन लाइक अभी कर दो। और जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको पता है कि आप इस वीडियो को देख करके सीधा सीधा 10,000 रुपये भी कमा सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद बिना कुछ करे हुए। तो जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर मैं रेगुलरली टीम देता हूँ हर मैच की। तो टेलीग्राम पर 1,40,000 लोग लगभग रोजाना हर मैच की टीम लेते हैं और वो जीतते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लिंक में, मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए उस लिंक से और टेलीग्राम पर हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फैंटेसी क्रिकेट गुरु, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर फैंटेसी क्रिकेट गुरु भी सर्च कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि आप स्मॉल लीग्स कैसे विन करें। दोस्तों हम गलती कहाँ करते हैं, हम गलती करते हैं जितने भी मैच होते हैं, चाहे हम उनके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम हर एक मैच खेलने की कोशिश करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपने कौन से मैच खेलने हैं और कैसे आप ये डिसाइड करोगे, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरनेशनल मैचेस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं जिनके बारे में सब जानते हैं, इन टीमों के मैचेस आपको इग्नोर करने पड़ेंगे अगर आपको प्रॉफिट कमाना है। आप इंडिया के मैच में बहुत अच्छी टीम बना लोगे क्योंकि हर एक प्लेयर को आप जानते हो, लेकिन अब आप इंडिया में फैंटेसी खेल रहे हो तो इंडिया में इंडिया की टीम के बारे में हर एक बंदे को पता है, तो आपके सामने वाला भी उतना ही मजबूत होगा क्योंकि उसको इंडिया के हर एक प्लेयर के बारे में पता है, तो आपको कंपटीशन बहुत तगड़ा मिलने वाला है, तो आप इंडिया के मैच में आपका लॉस होने का ज़्यादा चांस होगा। तो इसलिए आप ऐसे मैच को छोड़ने का कोशिश करिए जिनमें कंपटीशन तगड़ा मिले। अब आप खेलो कौन से मैच, ड्रीम इलेवन में डेली कम से कम 5 से 6 मैच होते हैं और आपने डिसाइड करना है 2 दिन पहले, यानी कि आज का मैच है तो आपको आज के मैच के लिए पहले 2 दिन पहले जाके डिसाइड करना था कि आज के जो मैचेस हैं उनमें से कौन सा वाला मैच मुझे खेलना है। जैसे वुमेन बिग बैश लीग शुरू हो रही है आज, मतलब कल सुबह मैच होगा, परसों सुबह भी मैच होंगे, तो आप कल वाले मैच को छोड़ करके परसों सुबह के बारे में सोचिए। आज 17 अक्टूबर है, आप 19 अक्टूबर के बारे में सोचिए कि 19 अक्टूबर को मुझे कौन कौन से मैच खेलने हैं। और ज़्यादा मैच आपको खेलने नहीं है, सिर्फ 2 मैच मैक्सिमम, जितने मैच हैं आप उनमें से 2 मैच मार्क कर लीजिए कि ये 2 मैच मुझे खेलने हैं 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले डिसाइड करने का फ़ायदा क्या होगा, आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने सोच लिया ये मैच खेलने और फिर आप बैठ गए, आपको बैठना नहीं है। वो 2 मैच जो आपने खेले हैं आप उनके बारे में रिसर्च करिए, आप ढूंढिए गूगल पे कहीं पर भी,
या फिर आप मेरे वीडियोस देखिए, मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करिए, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो उन दो मैच पर आप ग्राउंड के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, हेड टू हेड हर एक चीज़ आप खोजना शुरू कर दीजिए। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैच शुरू होगा ना, आपसे अच्छी टीम किसी की नहीं होगी। आप इतने कॉन्फिडेंस आपके पास होगा कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपए उस मैच में इन्वेस्ट करने की सोचोगे। आपको ये लगेगा कि आपको इस मैच के बारे में, इन टीम्स के बारे में, इन प्लेयर्स के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज है। और जब इतनी नॉलेज आपके पास आ जाएगी तो आपकी टीम क्या परफॉर्म करेगी आप खुद सोच सकते हो। ये सबसे अलग है और सबसे बेस्ट है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। और ये मैं खुद फॉलो करता हूँ और मैं इसीलिए प्रॉफिट कमाता हूँ। अब दूसरी चीज़, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी लीग ज्वाइन करनी है, आप मैच के हिसाब से देखिए। आपको लगता है कि यार इस मैच में मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है और इस मैच में मेरी टीम अच्छी नहीं बन रही है, तो अपनी बजट का थोड़ा सा कम, मान लीजिए आपके पास अगर 10,000 है तो आप उसमें 1,000, 2,000, 3,000 लगा सकते हो। अगर अच्छा मैच है, आपको पूरा भरोसा है कि आप उसमें जीतोगे, तो आप उसमें 5,000 से 6,000 रुपये लगा सकते हो और बाकी 1,000 रुपये यानी कि करीब करीब 10 से 15% उसका आप एक बैकअप टीम लगा कर लगा दीजिए। अगर आप हार भी जाओ तो बैकअप टीम आपका कवर करा सके। बैकअप टीम आप लगाइए 5 मेंबर में, 6 मेंबर में या 10 मेंबर में। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। और दोस्तों एक और चीज़ कि आप लीग कब ज्वाइन करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो आपने टीम बनाई थी उससे हम तो हार गए, आप जीत गए, आप कब लीग ज्वाइन करते हो। तो लीग ज्वाइन करने का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो होता है टॉस के बाद वाला, अब जब से डेडलाइन चेंज हुई है। क्योंकि अगर आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पहले जाओगे तो उस टाइम पर वो लोग लीग ज्वाइन करते हैं जो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं फैंटेसी को और बहुत सारी उसके बारे में नॉलेज रखते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वो लोग 6 से 7, 8 या फिर 10 घंटे पहले लीग ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे में आपको कंपटीशन तगड़ा मिलेगा। अगर आप लास्ट टाइम पर लीग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर धड़ाधड़ लीग ज्वाइन होती है और आपको पता नहीं होता कि कौन सा बंदा लीग ज्वाइन कर रहा है। उसमें एक अनाड़ी भी मिल सकता है आपको और एक खिलाड़ी भी मिल सकता है। तो मेरे लिए बेस्ट टाइम यही होता है कि जब टॉस हो जाए उसके बाद फिर मैं लीग ज्वाइन करूँ। और उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, आप जो टीम बना रहे हो टीम कैसे बनाएंगे। देखिए स्मॉल लीग में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, आपके लिए जो प्लेयर होते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं उनको लेकर टीम बनानी होती है और लगभग सभी की सेम टीम मिलती है आपके अपोनेंट में भी। लेकिन आपको थोड़ा सा अलग करना होता है। अलग कैसे आप करेंगे, इंडिया का मैच है, सभी लोग किनको लेंगे, रोहित शर्मा को और विराट कोहली को, और अगर क्रेडिट है तो फिर शिखर धवन को लेंगे। अगर लोगों के पास क्रेडिट नहीं होते हैं तो लोग क्या करते हैं, शिखर धवन को ड्रॉप करते हैं। आप थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, आप रोहित को ड्रॉप करके शिखर धवन को ले लीजिए, क्योंकि शिखर धवन भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। थोड़ा सा रिस्क होगा लेकिन अगर आप 10 मेंबर की 11 मेंबर की लीग खेल रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि अगर आपका शिखर धवन चलता है, ये ज़्यादा छोटी लीग जो है 2 मेंबर की 4 मेंबर की उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 10-11 मेंबर की लीग की। क्योंकि वहाँ पर आप अगर सेम टीम बनाओगे जो लोग बनाते हैं, तो उस टीम के साथ आप लोगों के साथ में चलोगे। अगर लोगों की रैंक 4-5 चल रही है तो आपकी 4-5 ही चलेगी। आपको टॉप पर आने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा अलग करना होगा। तो ऐसे में आप ये अलग कर सकते हो, लोग भुवनेश्वर के साथ जा रहे हैं, आप मोहम्मद शमी के साथ जाइए, लोग विराट कोहली कैप्टन बना रहे हैं, आप रोहित शर्मा को बना दीजिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं आपको करनी होती हैं अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहो 10-11 मेंबर की लीग में। और जो हेड टू हेड की लीग होती है, 3 मेंबर की होती है, 4 मेंबर की होती है, उनमें आपको जो बेस्ट आपके होते हैं 11, आपको लगता है कि ये बेस्ट है, तो उनमें आपको उन्हीं बेस्ट को लेकर के बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने होते हैं, तब आप जीतते हो। एक चीज़, कभी कभी ड्रीम इलेवन में टीम नहीं बन पा रही है तो क्या करें, आपके पास ऑप्शन है, आप प्ले स्पॉट पर जाए। अभी जैसे कल की कबड्डी के मैच थे, कबड्डी के मैच जो सेमीफाइनल मैच थे उनमें मेरी ड्रीम इलेवन में टीम बन नहीं पा रही थी, मैं प्ले स्पॉट पर गया, प्ले स्पॉट पर कोई क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने टीम बनाई और जितने भी स्मॉल लीग्स थी सब के सब क्लीन स्वीप करी। और जो मैंने आपको टीम दी थी आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो, फर्स्ट सेमीफाइनल की जो टीम थी वो ड्रीम टीम थी, यानी कि उस टीम से ज़्यादा पॉइंट कोई टीम ले ही नहीं सकती थी। अगर आप वो टीम ग्रैंड लीग में लगाते तो आपकी फर्स्ट रैंक आनी कन्फर्म थी, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी टीम कोई बन ही नहीं सकती थी। तो ऐसे में आपके पास अगर ड्रीम इलेवन पर टीम नहीं बन रही है तो आप जाकर प्ले स्पॉट पर जाकर देखिए, आप माई फैब इलेवन पर जाकर देखिए, तो जहां पर आपकी टीम अच्छी बने वहां पर बनाइए और वहां पर
आप पैसा लगा दीजिए। और एक चीज, बहुत सारी वेबसाइट है जो बोनस बहुत ज्यादा देती हैं, जैसे माई फेवलेवन है, प्ले स्पॉट है, तो आप बोनस का हमेशा फायदा उठाइए। बोनस का फायदा उठाने का मतलब ये है कि अगर अभी जैसे कल माई फेवलेवन ऑफर दे रहा था 100% कैश बोनस का, अगर आप 10,000 डिपॉजिट करो तो आपको 10,000 का बोनस प्लस 10,000 का आपका डिपॉजिट, यानी कि 20,000 आपको प्ले स्पॉट माई फेवलेवन दे रहा था। तो उससे फायदा ये होता है कि जो लीग आप ड्रीम इलेवन में 5,750 रुपये की ज्वाइन करते हो हेड टू हेड में, वो लीग आपको माई फेवलेवन पर पड़ती है सिर्फ 5,100 रुपये की, यानी कि आपका सीधा सीधा 650 रुपये बच जाता है कैश बोनस अगर आप लेते हो और कैश बोनस का फायदा अगर आप उठाते हो। तो देखिए सीधा सीधा 650 बच गए, तो ये 650 क्या है, ये अर्निंग है। तो इन चीज़ों का आप फायदा उठाइए, तब जाकर आप प्रॉफिट में रहोगे। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे आगे डिस्कस करता रहूँगा, मेरे वीडियोस डेली लगातार आते रहेंगे। अब वुमेन बिग बैश लीग है, उसके बाद बहुत सारे मैचेस शुरू हो रहे हैं, फिर बिग बैश लीग आएगी, फिर उसके बाद T10 आ रहा है, तो हर एक मैच की मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, और जिन लोगों ने अब भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद लगातार रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन का दबाने का फायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और अगर आपने अभी भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर जाकर फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो।